नमस्कार दर्शकों, मैं रवि पवार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे ज्योतिषी चैनल आरएसपी वर्ल्ड पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। बहुत सारी डिमांड आई थी आप लोगों की, बहुत सारे कमेंट आए थे व्हाट्सएप पर कि आप कोई एक वीडियो ऐसा बनाएं जिसमें हमें 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष एक साथ देखने को मिल जाए, वो भी नेपाली वाले। और क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे अलग अलग वीडियोस तो बनाए हैं, लेकिन एक साथ भी एक वीडियो बनाया जाए, उसी डिमांड को लेते हुए आज ये जो आपकी मांग थी उसको पूरी यहाँ पे कर रहे हैं हम। और ये वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर नेपाली रुद्राक्ष आपको देखने को मिलेंगे 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक, और वो भी अच्छी साइज में और अच्छी क्वालिटी वाले दाने। तो देखिए, ये सारे रुद्राक्ष आपके सामने यहाँ पर टेबल पर रखे हुए हैं। अलग अलग तरह के ये हैं, अलग अलग मुख के हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 मुखी की। तो 1 मुखी गोल दाना नेपाली मिलना बहुत मुश्किल है, वो आप लोगों को भी पता है। तो हम जब भी कंठा तैयार करते हैं तो काजू दाना से करते हैं, 1 मुखी काजू दाना, ये इंडोनेशिया का ज़रूर होता है। इसके बाद ये वाला देखिए, ये 2 मुखी जो है ये 2 मुखी नेपाली दाना है। इसके बाद ये चंद्र ग्रह के लिए होता है। इसके बाद ये वाला जो दाना है ये है 3 मुखी नेपाली दाना, ये पूरा गोल होता है। जो इंडोनेशिया का दाना आता है वो थोड़ा सा लंबा आता है। इसके बाद ये मंगल ग्रह के लिए होता है। इसके बाद ये जो है ये 4 मुखी दाना है, ये बुध ग्रह के लिए होता है। इसके बाद वर्ल्ड फेमस दाना आपके सामने यहाँ पे 5 मुखी आ गया है, जो कि गुरु ग्रह के लिए होता है। इसके बाद हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का जो रुद्राक्ष है वो 6 मुखी होता है, बहुत ही सुंदर रुद्राक्ष होता है, 6 इस पे मुख होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 7 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर, जो कि शनि ग्रह से संबंधित होता है। ये रहा 7 मुखी रुद्राक्ष। और शनि ग्रह जब भी 7.5 ही चले इसे जरूर से धारण करना चाहिए ताकि हमें शुभ फल मिले। जस्ट इसके पास में 8 मुखी रुद्राक्ष जो कि राहु ग्रह का होता है, और इसके पास में ये रखा हुआ है 9 मुखी रुद्राक्ष जो कि केतु ग्रह का होता है, और इसके जस्ट पास में 10 मुखी रुद्राक्ष रखा हुआ है जो कि फिर से गुरु ग्रह का होता है। क्योंकि कुछ ग्रह देखिए यहाँ पे जैसे ही 1 से 9 जैसे ही खत्म होते हैं रुद्राक्ष, तो फिर 9 से 10 से जो आगे बढ़ते हैं वो रिपीट होते जाते हैं ग्रहों के। तो ये 10 मुखी रुद्राक्ष फिर से गुरु ग्रह का आ गया, 5 मुखी रुद्राक्ष भी गुरु ग्रह का होता है। इसके बाद एक 11 मुखी रुद्राक्ष है, ये मंगल ग्रह का होता है। इसके जस्ट पास में रखा हुआ है 12 मुखी रुद्राक्ष, ये सूर्य ग्रह का होता है। ये वाला देखिए, ये सूर्य ग्रह का रुद्राक्ष है। और इसके पास में जो आप देख रहे हैं ये 13 मुखी रुद्राक्ष है, ये है शुक्र ग्रह का। फिर से देखिए डबल होते जा रहे हैं, जैसे कि 6 मुखी भी शुक्र का होता है, 13 मुखी शुक्र का, और ये 14 मुखी रुद्राक्ष ये होता है शनि ग्रह का। ये वाला ये 14 मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह का, इसके अंदर 14 मुख होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे 1 से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत से लोग तो 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष का कंठा ही बनवा कर पहन लेते हैं चांदी के अंदर। कुछ लोग कंठा नहीं पहनते हैं तो 1 से 9 मुखी का कंठा पहन लेते हैं, और हमारी चॉइस होती है। कुछ लोग इसे सिंगल सिंगल भी धारण करते हैं ज़रूरत के अनुसार, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को सारे ग्रहों को बलवान नहीं करना है, पर्टिकुलर किसी एक ग्रह पे पहनना है तो वो एक ग्रह का भी पहन लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष जो है हमारे 9 ग्रहों से जुड़े हुए हैं और डबल डबल होकर जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से सारी प्रोसेस होती है इस रुद्राक्ष की, और ये हमारे लाभ हैं। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष का कंठा अगर आप चांदी में धारण कर लेते हैं तो रुद्राक्ष की तरफ से आप निश्चिंत हो जाते हैं। फिर आपको आप चाहें तो 15 से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और फिर तो आपका रुद्राक्ष का काम लगभग खत्म ही हो जाता है कि आपने जो है 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लिए हैं। ये सारे के सारे रुद्राक्ष हमारे पास उपलब्ध हैं। आप जब भी मंगवाते हैं आपको सिद्ध, अभिमंत्रित, जागृत और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही भेजे जाते हैं। साइज होती है 15 mm से लेकर 30 mm के बीच में, लैब सर्टिफिकेट के साथ में आपको दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो इसका कंठा वाला भी आप लोगों को भेजी जाती है उसके साथ भी लैब का सर्टिफिकेट होता है, जिसमें कि क्लियरली लिखा रहता है कि जो रुद्राक्ष आपने लिया है वो 100% नेचुरल है। 1 मुखी रुद्राक्ष को गोल वाले दाने को यहाँ पर बिल्कुल हमें भूलना होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा दुर्लभ है कि मिलता नहीं, और मिलता है तो लाखों में कीमत होती है। हाँ, 1 मुखी रुद्राक्ष का अंडर डेवलप्ड का दाना जरूर आता है। तो जब भी आप हमसे कांटेक्ट करें और आपको 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष लेना हो तो उस समय अंडर डेवलप्ड 1 फेस 1 मुखी रुद्राक्ष के बारे में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अगर स्टॉक में होगा तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। और इसके अंडर डेवलप्ड रुद्राक्ष के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुके हैं, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। अभी कुछ महीने पहले ही बनाई हमने वो, कि वो
अंडर डेवलप्ड रुद्राक्ष क्या होता है, अर्धविकसित एकमुखी दाना क्या होता है और वो किस प्रकार का दिखता है और क्या उसका इफेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी आज इस वीडियो में। मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पर लिखा ही हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक का ना के साथ। ये सारे रुद्राक्ष आपको मिल जाएंगे, आप खरीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, ओम साई राम।